आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। एक और जहां किसान नए कृषि कानून बिल की वापसी के बाद घर को रवाना हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के नीमच में किसान प्याज की मार झेल रहे हैं। मंडी में आने वाले किसानों को उनके प्याज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि मालवा का नीमच जिला, जहां पर लहसुन व प्याज की सर्वाधिक खेती की जाती है, लेकिन इन दिनों यहाँ के किसान काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन दिनों मंडी में प्याज व लहसुन की बंपर आवक देखी जा रही है। किसान मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों से प्याज और लहसुन लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी प्याज और लहसुन के सही दाम नहीं मिलने से किसान निराश और परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में मीडियम प्याज 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है और अच्छी क्वालिटी वाली प्याज 12 से लेकर 18 रुपये तक, तो वहीं दूसरी ओर लहसुन 11 रुपए प्रति किलो से 18 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ऐसे में उन्हें बुवाई का खर्चा व मंडी में लाने का भाड़ा तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कृषि कार्य में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ट्रैक्टर में किया जाता है। किसानों को हमेशा नुकसान ही होता है, जिससे किसान निराश दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्याज और लहसुन जब खेत में 1 बीघा के अंदर बोया जाता है, तो उसकी लागत करीब 35,000 से लेकर 40,000 तक की होत आती है। किसानों का यह भी कहना है कि कम से कम मंडी में 4,000 रुपये क्विंटल के अनुमान से तो भाव मिलने ही चाहिए। वही मामले में मंडी निरीक्षक का कहना है कि इस समय मंडी में लहसुन प्याज की बंपर आवक है और बाहर केंद्रों पर भी स्टॉक रखा हुआ है, इस वजह से प्याज और लहसुन के भाव में तेजी नहीं है। आपको बता दें कि मालवा का नीमच जिला, जहां पर सर्वाधिक लहसुन प्याज की खेती किसानों द्वारा की जाती है, तो वहीं यहां का लहसुन देश के साथ साथ विदेशों में भी बिकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।